गोर लगातनी समाचार बक्सर से बटुए विधानसभा चुनाव अब खत्म हो गई। रिजल्ट भी आ गई, परिणाम भी आ गई, चारों सीट महागठबंधन के चल गई। लेकिन यह चुनाव खत्म भइला के बाद जिला के डीएम साहब अमन समीर जी आ कप्तान साहब नीरज कुमार सिंह जी आम जनता से लेके मीडिया प्रशासन सबके सहयोग के आभार व्यक्त कैनी। यहाँ सब कहनी आ कि जौना तरीका से बक्सर जिला के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न भइल, यह चुनाव में कहीं से कोनो गड़बड़ी ना मिलल। यह जिलावासी के, यह जिला में रहे वाला लोग के, प्रशासन के आ साथे साथ मीडिया लोग के धन्यवाद व्यक्त कैनी। यहाँ के बतैनी कि ई चुनाव एकदम पारदर्शी तरीका से भइल आ लोग भी एकरा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लें, लोग भी पूरा सहयोग कैले। ये सहयोग करे में सबके योगदान रहल बटुए आ ई चुनाव के परिणाम भी आ गइल। यहाँ के कहनी कि जैसे जैसे जवन जवन चुनाव के लेके कार्यक्रम भइल ओकर मीडिया कवरेज भी सुंदर ढंग से कैल गइल। हर कार्यक्रम में लोग के जागरूक करे के कोशिश मीडिया आ साथे साथ विभाग के द्वारा कैल गई। सुनी बयान। और साथ ये भी कहना चाहेंगे कि IGSP के रूप में मेरा यह पहला चुनाव था जिसको हम लोगों ने, अब हम कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक निष्पक्ष वातावरण में चुनाव संपन्न कराया। इसके जो भी लोग इसमें लगे हुए थे पार्टिसिपेंट से लेके जो हमारे पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट, जैसा कि पदाधिकारी महोदय ने कहा कि आशा कार्यकर्ता से लेके आप लोग भी थे, सभी को जो है कि बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई कि इस महापर्व को हम लोगों ने शांतिपूर्ण के सहयोग से संपन्न कराया। देना चाहते हैं सबसे पहले तो जो बक्सर की जनता है उनको हम लोग बधाई देना चाहेंगे कि उनके प्रयास के कारण ही हम लोग जो है शांतिपूर्ण मतदान हम लोग करा पाए हैं। उसके अलावा जो है जितने भी मतदान कर्मी हैं या पोल डे के दिन जितने भी कर्मी लोगों के लगे थे, पुलिस कर्मी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों के समन्वय के कारण हम लोग एक सफल मतदान हम लोग करा पाए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत सभी लोगों को बधाई। और उसके अलावा जो जितने भी मीडिया के बंधुओं हैं, क्योंकि आप लोगों ने रेगुलर तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताया, चाहे कोविड के गाइडलाइन है, सभी के संदर्भ में आप लोगों ने रेगुलर रूप से लोगों को जागरूक करने का काम किया है, तो आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा और एक सुखद अनुभव हम लोगों के लिए भी रहा बक्सर में कार्य करने का। हम अंत में सभी जितने बक्सरवासी सभी को बधाई देते हैं।